हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के अद्भुत मंच पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 6.1 का। यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो को आपने देखा होगा दोस्तों, तो ये पूरी प्रश्नावली 6 की जितने अध्याय हैं सारा अध्याय आपको एकदम मक्खन के जैसा लगने वाला है दोस्तों। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो जाके आप जरूर देखिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, वो प्रश्न आपसे क्या कह रहे हैं दोस्तों, केवल हमको उनका जवाब देना है। और स्क्रीन पेज पे दिखाई पड़ रहा होगा प्रश्न क्या कह रहा है कि जो रिक्त स्थान है वो आपको भरना है। यदि आपने पिछले की क्लास देखा होगा तो सारे रिक्त स्थान को आप आसानी से भर सकते हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आएंगी। देखिए सबसे पहला क्या करा, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से ही सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहले सवाल का फर्स्ट भाग करा है सभी वृत्त होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सभी वृत्त होते हैं, जैसे कि आपके बुक में ऐसे सवाल दिया गया है सभी वृत्त, उसके बाद ऐसे करके होते हैं। अब आपको कोष्टक में दो वर्ड दिए गए, अपने मन से ढूंढना नहीं, इसी इन्हीं दोनों वर्ड में से कोई एक वर्ड क्या है सही है, वो वर्ड आपको इसमें भर देना है, बस यही देख के बताना। अब बताइए सभी जो वृत्त होते हैं, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया है, तो ये आपका वृत्त हो गया एक वाला, जैसे मैंने कहा कि ये एक छोटा वाला वृत्त हो गया, ये एक बड़ा हो गया, तो ये दोनों सर्वांग सम तो है नहीं। क्यों? क्योंकि सर्वांग सम की कसौटियां बताती है कि इनकी जो साइज है वो बराबर होने चाहिए। सभी जो साइज है वो क्या होते हैं? बराबर। जैसे मैंने कहा एक वृत्त और ले लेते हैं और एक वृत्त और ले लेते हैं, तो हम कह सकते हैं दोस्तों, हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों सर्वांग सम है, क्योंकि ये दोनों आपस में लगभग बराबर है, परंतु ये दोनों सर्वांग सम नहीं है, ये दोनों सर्वांग सम नहीं, ये दोनों सर्वांग सम नहीं, ये सर्वांग सम नहीं, पर ये जरूर कह सकते हैं ये सभी जो वृत्त है वो क्या है? समरूप है। सबका आकार क्या है? गोला ही है, अर्थात ये क्या है? समरूप है। तो यहां पर हमारा जवाब होगा दोस्तों, सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं, सर्वांग सम नहीं होते। आपका जो सेकंड पोर्शन है वो क्या कह रहा है आपको? सेकंड पोर्शन में कह रहा है सभी वर्ग होते हैं। क्या दोस्तों? सभी वर्ग, सभी वर्ग, उसके बाद डैश होते हैं। अब यहां पर आपको बताना है कि सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं, ये देखिए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द चुनना है। मैं आपको चित्र से समझाऊं, ये भी एक क्या है आपका? वर्ग है। ये भी एक वर्ग है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2, और ये भी 3, तो ये भी एक वर्ग है, ए बी सी डी, एक यहां वर्ग है। अगला भी एक बना देते हैं दोस्तों, ये वाला भी बना दे रहे हैं, ये पी क्यू आर और एस, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4, ये 5 है, ये 4 है। अब आप बताओ ये दोनों वर्ग है, दोनों वर्ग है, परंतु देखिए ये छोटा वर्ग है, ये क्या है? बड़ा वर्ग है। क्या दोनों सर्वांग सम है? देखिए सर्वांग सम के लिए कहता है इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर हो। ये तो 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है ना, तो ये दोनों सर्वांग सम नहीं हो सकते, क्योंकि सर्वांग सम कहता है कि इनकी संगत भुजाएं आपस में क्या हो दोस्तों? बराबर हो। इनकी संगत भुजाएं क्या हो? आपस में बराबर हो। परंतु सर्वांग सम आपसे ये भी कहता है कि इनकी जो संगत कोणे हैं वो भी क्या होने चाहिए दोस्तों? बराबर होने चाहिए। तो आप देखिए यदि हम यहां पर देखेंगे तो ये भी संगत कोण इनके सबके क्या है? बराबर है। परंतु संगत कोण बराबर है, परंतु इनकी जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर नहीं है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको क्या कहा कि जो सभी वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? समरूप होते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं, आपको स्क्रीन पे
इसका तीसरा प्रश्न लिख के दिखा रहे हैं। तीसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है दिखेगा, सभी त्रिभुज, सभी त्रिभुज ऐसे करके सवाल दिया गया, सभी त्रिभुज फिर डैश है, फिर उसके बाद सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। आगे आपको दो वर्ड दिए गए हैं कोष्टक में, वो वर्ड है पहला समद्विबाहु, क्या दोस्तों समद्विबाहु, और दूसरा है समरूप, यानी इन्हीं दो वर्डों में से एक वर्ड आपको भरना है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, जो समद्विबाहु होता है ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो समान हो वो क्या कहलाती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। मैंने आपसे क्या कहा, ऐसी त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं आपस में इक्वल हो वो क्या कहलाती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक। और समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं दोस्तों, ऐसी त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो आपस में समान हो, आपस में क्या हो दोस्तों समान हो, वो कौन से त्रिभुज कहलाते हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। जानकारी के लिए बता दे दोस्तों, ये आपकी समबाहु है, ये आपकी क्या है समबाहु, और समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो क्या होते हैं समरूप होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज जो भी होगा वो जो है दोस्तों उनकी जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समान होंगे। हम यहां लिख सकते हैं कि जो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं समरूप होते हैं। तो लिखेंगे सभी त्रिभुज समबाहु। अब मैंने क्या बताया कि आपको पता चला कि यहां पर जो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो क्या होते हैं समरूप होते हैं। तो यहां हम भर देंगे भैया समबाहु, क्या भर देंगे समबाहु, क्योंकि समबाहु की प्रत्येक भुजाएं आपस में सेम टू सेम इक्वल होते हैं, ठीक है भैया। ये सेकंड थर्ड पोर्शन हो गया, इसकी चौथे पोर्शन की चर्चा हम इधर करेंगे, इधर की तरफ। तो दोस्तों आपका जो पहले का चौथा पोर्शन है, यदि आपने थ्योरी क्लास ली होगी समरूपता का, तो वहां पर मैंने आपको बता के रखा है कि दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण आपस में क्या हो बराबर हो। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, दो बहुभुज, बहुभुज का मतलब होता है जिनकी भुजाएं बहुत हो, परंतु यहां पहले से कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या, मतलब ऐसे दो बहुभुज समरूप लेने हैं, ऐसे दो बहुभुज त्रिभुज लेने हैं जिनमें जिनकी जो है दोनों की संख्या क्या हो समान, अर्थात इसमें तीन भुजा तो उसमें भी तीन भुजा होगा, इसमें चार भुजा तो उसमें भी चार भुजा होगा, भुजाओं की संख्या समान है, समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण आपस में क्या हो दोस्तों बराबर हो, क्या हो संगत कोण क्या हो दोस्तों बराबर हो, और उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो क्या हो समानुपाती हो, क्या हो दोस्तों समानुपाती। जो बड़े बड़े वर्ड लिखे गए हैं आप समझिएगा, उसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स अर्थात खाली स्थान पे भरने थे। इस प्रकार आपका पहला पोर्शन यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम चर्चा करेंगे इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने हैं। एक तो है पहला समरूपाकृति, पहला है समरूप आकृतियां, पहला क्या है दोस्तों समरूप आकृतियां, और सेकेंड पोर्शन है आपका, सेकेंड पोर्शन है आपका ऐसी आकृति, ऐसी आकृति जो समरूप न हो, जो समरूप न हो, अर्थात आपको दोनों पे इस पे भी उस पे भी आपको एग्जाम्पल देने हैं। तो मैं आपको बताता क्या हूं, इधर लिखे समरूप आकृतियां की बात होती है, हम समरूप आकृति का एग्जाम्पल लेंगे, इधर किसका लेंगे ऐसी आकृति जो समरूप न हो।
तो पहले समरूप आकृति क्या होती है? समरूप आकृति वो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, क्या बताया था, ऐसी दो आकृतियां जिनमें किसी एक आकृति के ऊपर रखी गई दूसरी आकृति पूर्ण रूप से ढक लेता है वो समरूप कहलाता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया होगा कि सभी जो वृत्त होते हैं, या हम कह दे दोस्तों जो गोला होता है उसमें से हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जो सभी गोले होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। या हम लिख सकते हैं सभी वृत्त क्या होते हैं दोस्तों, समरूप होते हैं। क्योंकि वृत्त को हम क्या, इसका उदाहरण लिख रहे हैं, एक नहीं आपको दो तीन बता दे रहे हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर पहला लिख देंगे सभी वृत्त, क्या दोस्तों, सभी वृत्त जो है समरूप होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, सभी वृत्त समरूप होते हैं। ये आप देखिए एग्जाम्पल, ये वृत्त, फिर ये वृत्त, फिर ये वृत्त, फिर ये वृत्त, सभी वृत्त क्या है, समरूप है ना, क्योंकि भले बड़ा छोटा है तो समरूप वो होता है जिसकी जो है, जिसकी आकृति जो है क्या हो जाए दोस्तों, जिसकी आकृति पूर्ण रूप से, क्या कहा जा रहा है अभी मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, समरूप के, यदि आपने लेक्चर देखा होगा तो वहां पर आपको देखने के बाद यहाँ किसी भी प्रकार की डाउट नहीं होना चाहिए। समरूप ये होते हैं ऐसी दो आकृतियां जिनकी आकार समान हो परंतु मापे भिन्न भिन्न हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये देखिए दो सभी वृत्त क्या है, समरूप है। अगला उदाहरण यदि आप देखना चाहते हैं, बी नंबर, बी नंबर का उदाहरण हम देख क्या सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं सभी त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। जैसे मैंने क्या कहा कि आपने ये त्रिभुज बना लिया बड़ा वाला, फिर आपने ये छोटा बना लिया, फिर उसके बाद एकदम छोटा बना दिए, तो देखिए सभी त्रिभुज एक एक ही तीनों में क्या है, तीनों की आकृतियां सेम टू सेम है। अगला होता है तीसरी नंबर एग्जाम्पल ले सकते हैं, सभी वर्ग, क्या दोस्तों, सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो, ये बड़ा वाला वर्ग हो गया, ये छोटा वाला वर्ग हो गया, ये एक और बड़ा वर्ग हो गया, तो ये सभी वर्ग क्या है दोस्तों, समरूप है। इस प्रकार आप उदाहरण दे सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं सेकेंड पोर्शन की, ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो। चलिए जैसे मैंने क्या ले लिया, एक त्रिभुज ले लिया, क्या ले लिया दोस्तों, एक त्रिभुज ले लिया और एक गोला ले लिए, एक त्रिभुज ले लिए और एक गोला ले लिए, ये दोनों आकृति समरूप नहीं है। यहां लिख सकते हैं कि एक त्रिभुज तथा एक गोला तथा एक वृत्त समरूप नहीं होते, एक वृत्त समरूप नहीं होते, समरूप नहीं होते हैं। ठीक, सेकंड पोर्शन क्या है दोस्तों, सेकंड हम अगला एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर हम एक वर्ग ले लें और एक त्रिभुज ले लें तो भी तो ये दोनों समरूप नहीं होंगे, ये वर्ग है और वो आपका क्या, त्रिभुज। तो लिख सकते हैं कि एक वर्ग और त्रिभुज समरूप नहीं होते, समरूप नहीं होते। इस प्रकार आप चाहे जिसका वर्ग त्रिभुज का गोला से ले लीजिए, वर्ग का गोले से ले लीजिए, कोई भी एज ए दो एग्जांपल आप उठा सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम इस प्रश्नावली के लास्ट सवाल की चर्चा करेंगे, वो भी बहुत सरल रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आपको प्रश्न नंबर 3 स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, क्या कह रहा है, ये जो है प्रश्न चित्र बनाया गया है, पूछ रहा है कि बताइए क्या निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो दोस्तों हम उसका पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ये चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। ठीक, तो हम कह सकते हैं आपको ऐसे दिया गया है पी क्यू आर और एस है, यहाँ 1.5 सेंटीमीटर है, फिर उसके बाद यहाँ भी 1.5 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 1.5 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक भैया, अब उसके बाद आगे क्या कर रहा है, यहां पर दिया गया है ये चीज। ठीक, ये 90 है,
ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम क्या डी। ध्यान दीजिएगा, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। यहां बताना है कि निम्नलिखित ये दोनों चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। तो दोस्तों आपको समरूप की कसौटियां बताई गई थी। समरूप की कसौटियां क्या थी दोस्तों, कि यदि कोई दो आकृति, कोई भी दो आकृति, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। साथ में उनके संगत कोण भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। किसी भी एक रूल से हम इन दोनों को समरूप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखते होंगे, देख पा रहे होंगे, जो पीएस है और एडी, देखिए पीएस बटे एडी निकालेंगे, तो पीएस बटे एडी, तो पीएस की वैल्यू कितनी है 1.5 और एडी की वैल्यू कितनी है 3। आप इसे कटाओगे दोस्तों तो 1/2 क्या आएगा, 2 आएगा, 1/2 आएगा। ठीक, अगला है पी क्यू बटे ए बी, पी क्यू बटे ए बी, तो पी क्यू की वैल्यू भी 1.5 है और ए बी की वैल्यू 3 है, कटा देंगे 1/2 आएगा। फिर उसके बाद यदि आप निकालना चाहते हो क्यू आर, तो क्यू आर बटे बी सी, क्या दोस्तों, क्यू आर बटे बी सी, क्यू आर की वैल्यू कितनी है भैया 1.5 है और बी सी की वैल्यू कितनी है 3, कटाएंगे तो 1/2 आएगा। फिर उसके बाद अगला अगर हम निकालना चाहें एस आर बटे डी सी, तो एस आर बटे डी सी, एस आर की वैल्यू कितनी है 1.5 और डी सी की वैल्यू 3, ये कटा देंगे 1/2। तो देखिए ये चारों का अनुपात आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। इन चारों का अनुपात आपस में बराबर है। तो दोस्तों हम यहां पर देख रहे होंगे कि इनके संगत भुजाओं का तो अनुपात आपस में बराबर आ रहा है, परंतु यदि हम देखें, परंतु अगर हम देखना चाहें तो ये देखिए, ये वाले जो कोण हैं, ये वाले जो कोण हैं दोस्तों, यहां से लेके ये वाले, यहां से लेके ये वाले एंगल, तो हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि एंगल पी नॉट इक्वल टू एंगल ए, एंगल पी नॉट इक्वल टू एंगल ए। अगर दूसरे भाषा में बोले हैं तो एंगल ए जो है 90 है, परंतु एंगल पी टोटल 90 नहीं है, एंगल पी 90 अंश का कोण नहीं बना रहा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि यहां लिखेंगे ऐसे, अगर लिखना होगा तो एंगल क्यू नॉट इक्वल टू एंगल बी, अगला लिखना हुआ तो एंगल एस नॉट इक्वल टू एंगल डी, नॉट इक्वल टू एंगल डी लिख सकते हैं। ये संगत भुजाएं तो बराबर हैं, संगत भुजाएं ऐसे, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समान है, परंतु संगत कोण क्या दोस्तों, परंतु संगत कोण बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अतः अतः ये दोनों आकृति, अतः ये दोनों आकृति समरूप नहीं है, अतः ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है, दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। इस प्रकार दोस्तों आपका ये क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व होता है। और इसी सवाल के साथ ये चैप्टर भी यहाँ पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। दोस्तों आज की लेक्चर थोड़ी सी छोटी है क्योंकि चैप्टर ही बहुत छोटा था। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। टॉप 10 क्लासेस से जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।